कैसे हो आप सब? आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और मैं कुछ विंटर के प्लांट्स लेके आई थी। सो मैंने पहली वीडियो में आपको दिखाया था कि मैं काफ़ी सारे प्लांट लेके आई थी। इनको मैं अपने मतलब पॉट में शिफ्ट कर दिया है। उस समय की वीडियो मैं नहीं बना पाई, तो अभी मैं दिखाती हूँ कि इनकी केयर कैसे करते हैं। ये है सिनेरारिया, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट होते हैं। उनके फूल देखिए बहुत प्यारे होते हैं। विंटर के ये बहुत सुंदर फूल होते हैं। विंटर में वैसे बहुत सारे फूल आते हैं, तो मैं कुछ लेकर के आई थी। पिटोनिया वगैरह भी मैं लेके आई हूँ, पर ये मुझे बहुत पसंद आया और ये काफ़ी टाइम तक टिकता है। अगर ये खिल गया ना तो काफ़ी टाइम तक ये आपके गमले में टिका रहता है और बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है कि ये काफ़ी टाइम तक चलता है सिनेरारिया। और इनकी कोई बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है, बस थोड़ी सी कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपके घर में ये बना रहेगा हमेशा। तो ये है, मैं दो तीन कलर तीन चार कलर में लेके आई थी। मैंने इसको एक में दो लगा रखा है सिनेरारिया को। ये देखिए अभी तो स्टार्ट है, अभी ये और खिलेंगे, और भी कलियाँ इसमें आ रही हैं, नीचे से ब्रांचेस भी आ रही हैं। तो अभी ये स्टार्ट है, ये पूरा मेरा पॉट भर जाएगा। फिर भी मैं फिर आपको दिखाऊंगी। अभी तो ये स्टार्टिंग है इनके फ्लावर की, और काफ़ी अच्छा फ्लावर है मेरे घर में ये। ये देखिए मैं बहुत सारे सिर्फ इसी की वैरायटी लेकर के आई। अभी ये तो खिला नहीं है, ये भी नहीं खिला है, और आप देख रहे हैं कैसे बंच इनके बने हुए कलियों के बहुत सारे। तो ये थे मेरे सिनेरारिया के कुछ कलेक्शन। तो मैंने सोचा दिखाती हूँ। इसके पहले तो ऐसे ही रखा हुआ था, पर इसको मैंने सेट कर दिया है। और सबसे अच्छी बात है कि ये विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। ये विंटर के ही फ्लावर हैं और इनको धूप की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके बालकनी में या आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप ये प्लांट्स सिनेरारिया बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। बहुत से ऐसे घर होते हैं कि धूप नहीं आती है उनके छत पे टेरेस पे, तो उनके लिए ये बेस्ट प्लांट होता है सिनेरारिया। और आपके घर में भी ये बहुत सुंदर लगेगा। ये इसके जो बंचेस खिलते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए जिनके घर में धूप नहीं आती है वो सिनेरारिया अभी ले करके आइए और अपने घर में इनको आप लगा लीजिए। आप देख रहे हैं ये अभी बुशी सा हो जाएगा थोड़े देर पे। ये अभी पूरे गमले मेरे ये कवर कर लेंगे ये, और इनको धूप की ज़रूरत नहीं होती है। और इनके लिए फर्टिलाइज़र, ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र ही आप इनको दीजिए, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 15 डेज़ पे आप दे दीजिए। अगर आप गमले के साथ लाते हैं तो वो जो नर्सरी वाले होते हैं वो ऑलरेडी इतनी अच्छी मिट्टी तैयार करके देते हैं कि आपको कुछ डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और इनकी जो फ्लावरिंग ऐसे हो जाए तो इनके फिर ऐसे यहाँ से, जैसे इनकी फ्लावरिंग कंप्लीट हो चुकी है तो ये ऐसे ना आप इनको कट कर दीजिए, तो इनमें और भी कलियाँ आने लगेंगी, अच्छी ग्रोथ होती है। उसमें छोड़ना नहीं है कि सूख गया है तो पड़ा रहे, ऐसे नहीं। इसकी अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो इनकी जो फ्लावरिंग हो जाए, जो इसमें फ्लावर स्पेंड हो जाए उनको आप कट कर दीजिए। तो ये है सिनेरारिया, और इसके लिए मैंने फर्टिलाइज़र भी बना रखा है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इन सारे फूलों में हम लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालते हैं, बहुत हैवी फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं। ये ऐसा कुछ खास नहीं है, ये चाय की पत्ती का पानी है, और थोड़ा सा मैंने इसमें प्याज का छिलका, ये 24 आवर्स पड़े हुए थे, अब इनको मैं थोड़े थोड़े डालूँगी। इन जितने फ्लावर वाले मेरे पौधे हैं सिनेरारिया के, मैं सब में इसमें डाल दूँगी। तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, और ओवर वाटरिंग ना करें, अदरवाइज इसमें फंगस लग जाएंगे, ये ख़राब हो जाएंगे। वैसे तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते, बहुत ही अच्छे प्लांट होते हैं, लेकिन अगर हम इनमें ध्यान नहीं देंगे कि पानी भर भर के डाल रहे हैं, मिट्टी गीली है, तो फिर ये ख़राब भी हो सकते हैं। वो किसी भी प्लांट्स के साथ हो सकता है। तो ये था सिनेरारिया के बारे में थोड़ी सी टिप्स। अगर आपको ये अच्छा लगे हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो अभी तो मैं इनको फर्टिलाइज़ करने जा रही हूँ, वो भी बहुत थोड़ा थोड़ा। ये जो पानी है चाय की पत्ती वाला, ये मैं इन सारे गमलों में थोड़ा थोड़ा डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं। इसकी फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हो गई है तो इनको थोड़ा फर्टिलाइज़र चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। ज़रूरी नहीं कि आप चाय की पत्ती ही डालिए, आप बनाना छिलका है उसको भी 24 आवर्स भिगो करके डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट इनकी नहीं होती है, पर हाँ थोड़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए, आप इनमें डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है विंटर का बेस्ट
फ्लावर प्लांट, और इनके इन्हें धूप की ज़रूरत नहीं होती है। आप आराम से इनको अपने घर में लाइए, बहुत सारे घर हैं इनमें धूप नहीं आती है, तो आप ये सिंगारिया ले आइए और आपका घर जो है फूलों से भर जाएगा फ्रेंड्स। सो ये फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी करिएगा। ओके, बाय बाय।